हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। अभी हम आए हैं दमन में, एक संडे मार्केट लगती है, संडे को यानी मार्केट लगती है, तो वहीं पे आपको लेकर चल रहे हैं। बस थोड़ी सी दूर पे है, बिल्कुल आ ही चुके हैं, और चलो आप लोगों को दिखाते हैं कैसे है ये संडे की मार्केट। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फिलहाल अभी हम मार्केट में आ चुके हैं और यहाँ से देख सकते हो कि ये दुकानें जो है लगना शुरू हो गई हैं यहाँ से। और ये दिखा देता हूँ मैं, कपड़ों की दुकानें यहाँ पे लगी हुई हैं, ये सारी ढेर सारी कपड़ों की दुकानें हैं और बहुत ही सस्ते रेट में यहाँ पे कपड़े मिल जाते हैं। और यहाँ पे अभी जो है सब्जी मंडी भी लगी हुई है। चलो सब्जी मंडी जो है अंदर साइड पे मैं दिखा देता हूँ, तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हो ये यहाँ पे सब्जी मंडी लगी हुई है, जहाँ से आप सब्जियाँ जो है आकर खरीद सकते हो। फ्लावर का रेट जो है 10 रुपये 15 रुपये है ऐसा, तो यहाँ पे सस्ती सब्जी मिल जाती है। अगर आप जो है दुकान पे लेते हो जाके, जहाँ से मैं लेता हूँ, तो वहाँ पे महंगी मिलती है। यहाँ पे जो मार्केट है, मार्केट में थोड़ी सस्ती सब्जी मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो तो कपड़े जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सस्ता है वो है कपड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हो होली आ रही है, तो जो होली के पापड़ वगैरह और ये मसाले वगैरह हैं, तो गोभी जो है यहाँ पे मिल जाएगी। और ये 10-10 रुपये वाला ढेर वाला सिस्टम है यहाँ पे, तो अपना जो लेना है तो ये ले सकते हो। और ये देख सकते हो कुछ इस तरह से जो है सब्जी मार्केट है ये यहाँ पे लगी हुई है बीच में, तो हर एक चीज़ मिल जाती है यहाँ पे, मसाले वगैरह जो भी है, तो जो भी लेना है आपको यहाँ पे आके आप ले सकते हो अगर आप दमन में रहते हो। और ये देख सकते हो इधर भी कपड़ों की जो है मार्केट लगी हुई है, तो ये जो फ्रॉक्स वगैरह आपको दिख रही हैं या फिर जो यहाँ पे कपड़े दिख रहे हैं 200-200 रुपये में मिल जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कितने सस्ते हैं, 150-200 रुपये ऐसे। बैग्स वगैरह की दुकानें हैं, तो बैग्स वगैरह लेना है तो यहाँ पे आप आके ले सकते हो, सस्ते मिलते हैं बिल्कुल। ये साड़ियाँ जो आप देख रहे हो ये 150-150 रुपये में मिल जाती हैं यहाँ पे। और ये कपड़ों की दुकानें बहुत सारी हैं यहाँ पे, और बीच में है जो सब्जी मंडी लगी हुई है। यहाँ पे आप देखो ढेर भर पपीता जो है लगे हुए हैं यहाँ पे, 20 रुपये किलो हैं। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है दुकानें लगी हुई हैं कपड़े की, तो चारों तरफ जो है कपड़ों की दुकानें लगी हुई हैं। ये देख सकते हो भाई साहब कितनी सारी दुकानें लगी हुई हैं कपड़ों की। और पूरा मार्केट को मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हो पूरा जो मार्केट है इस तरह से दिखता है। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं, और मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे मार्केट लगती है। फिलहाल मैं भी पहली बार ही आया हूँ, और ये जो है कोस्टल हाईवे पर मार्केट लगती है। तो फिलहाल मैं क्या है निकलता हूँ यहाँ से और बाहर की तरफ चलता हूँ, तो मैं इस बीच वाली रास्ता से सोच रहा हूँ निकल चलूँ, क्योंकि किनारे किनारे तो मैं आ ही गया हूँ। बीच से भी एक बार दिखा देता हूँ, ये जो है मसाले यहाँ पे आपको जो है 50 रुपये के 250 ग्राम मिल जाएंगे, और आलू का रेट जो है 15-20 रुपये किलो अभी चल रहा है, 50 रुपये का 250 किलो दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से है जो व्यू वगैरह आप देख सकते हो। और अभी क्या है यहाँ पे से हम निकल रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जो कुछ मिठाइयाँ वगैरह बिस्किट वगैरह लेना है तो ले सकते हो, और ये मसाले वगैरह की बहुत सारी दुकानें लगी हुई है। तो ये बीच में सब्जी लगती है, आसपास जो है कपड़े की बहुत ढेर सारी जो है दुकानें हैं, वहाँ से आप कपड़े ले सकते हो। कपड़ा ही सस्ता है, लोग जो है कपड़े यहाँ पे लेते हैं तो सस्ते बहुत मिल जाते हैं, और सब्जियाँ भी सस्ती मिल जाती है दुकान की अपेक्षा। दुकान में यही आप अगर लेके जाते हो तो थोड़ी आपको महंगी सब्जी पड़ जाती है, बट यहाँ पे जो है सस्ती मिल जाती है। तो चलो एक बार और आपको जो है व्यू दिखा देता हूँ। ये है कोस्टल हाईवे, सामने आप देख सकते हो, और ये मार्केट लगी हुई है पूरी, आप देख सकते हो पूरा। मैं आपको थोड़ा ऊपर से दिखा देता हूँ, तो कुछ इस तरह से जो मार्केट है यहाँ पे लगी हुई है। ये लगा था पीछे मार्केट। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है, और इस मार्केट के बारे में मुझे पता नहीं था, फिलहाल अभी पता चला है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।